Hello students, today I am going to teach you Five Kingdom Classification, which was proposed by Robert Whittaker in 1969. This is the recent classification system which is followed all over the world by biologists. So there are five kingdoms, that is Kingdom Monera, Protista, Plantae, Fungi and Animalia. अब ये जो पांच किंगडम बनाए हुए हैं उसके लिए कौन से क्राइटेरिया यूज़ किए हैं रॉबर्ट व्हिटेकर ने, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे पांच क्राइटेरिया यूज़ किए। क्राइटेरिया मीन्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच रॉबर्ट व्हिटेकर क्लासिफाइड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फर्स्ट क्राइटेरिया इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेकेंड क्राइटेरिया इज टाइप्स ऑफ सेल्स, थर्ड क्राइटेरिया इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फोर्थ क्राइटेरिया इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिफ्थ क्राइटेरिया इज इकोलॉजिकल रोल और एनवायरमेंटल रोल। सो नाउ फर्स्ट वी विल सी अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर यू हैव स्टडीड इट इन योर 10th और 9th क्लास, that is prokaryotic organism. Prokaryotes means organism having prokaryotic cell structure. Prokaryotic cell structure mein usually kya hota hai, incipient nucleus hota hai and cytoplasm ke andar hi sab cell organelles ka material jo hai it is distributed within the cytoplasm. To wo embedded within the cytoplasm hota hai. Cell organelles are not separated from cytoplasm and nucleus is also incipient, it is mixed within the cytoplasm. So that cell is called as prokaryotic cell. Prokaryotic cell ko ancient cell bola gaya hai, jo primitive cell, first form cell. Fir uske baad mein eukaryotic cell develop hui. To ye hai कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। यूकैरियोटिक सेल यानी सेल विच इज हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इन विच न्यूक्लियर मटेरियल इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनेल्स यानी मटेरियल और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। जैसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट। रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियन। इसी तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, यानी यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। हर एक सेल ऑर्गेनेल का काम अलग अलग हो जाता है, सेल का काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर हियर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स आर फॉर्म, जिसमें न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, मास्टर सेल ऑर्गेनेल, इट इज़ द मास्टर मॉलिक्यूल। यानी ये पूरे बॉडी के एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला सेल ऑर्गेनेल है। तो जनरली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विच इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सच सेल्स आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे यूकैरियोट्स डेवलप हुए। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया यूज़ किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए वो कौन सा क्राइटेरिया है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेसिस पर से दो किंगडम बनाए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटा। यानी ऐसे पहले बेसिकली प्रोकैरियोटा यूकैरियोटा बोलते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स का किंगडम कौन सा बना, मोनेरा। यूकैरियोट्स का किंगडम प्रोटिस्टा। फिर सेकंड क्राइटेरिया हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, अब यहाँ पे देखेंगे कि दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेल्युलर, मेनी सेल्ड यानी मल्टी सेल्युलर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ किंगडम मोनेरा। यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वेर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब कितने किंगडम तैयार हुए, दो किंगडम, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर किंगडम मोनेरा। फिर मल्टी सेल्युलर के किंगडम्स है तीन। कौन से किंगडम्स है मल्टी सेल्युलर के, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। कॉमन कैरेक्टर इसमें कौन से है, दे ऑल आर मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स। अब इसको क्यों कैसे डिवाइड किया, अब मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट ये कॉमन कैरेक्टर हो गया, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के बेसिस पर से हमने देखा था पहले प्रोकैरियोट यानी जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोट
कैरियोटा में गए, जिसमें यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटा में गए। अब यूकैरियोटा में दो ग्रुप तैयार हो गए, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स एंड मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। अब यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में कौन से आएंगे, प्रोटिस्टा, और मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स में आप कौन से आएंगे, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। अब प्लांटी देखते हैं, किंगडम प्लांटी जो है, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया, इसमें कॉमन कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर कौन सा है, दे ऑल आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट जो अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या नेक्स्ट क्राइटेरिया विच वॉज यूज बाय रॉबर्ट व्हिटेकर फॉर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अब आता है किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। अब इसमें जो है नेक्स्ट कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री किंगडम, दैट इज किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। अब ये किंगडम प्लांटी जो है उसमें ऑटोट्रॉफी है, ऑटोट्रॉफी का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर से यहाँ पे दो ग्रुप हो गए, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का एक किंगडम है किंगडम प्लांटी, और हेटरोट्रॉफ्स यानी फूड के लिए जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ट्रैफिक का मतलब होता है गोइंग ऑन, जैसे हम बोलते हैं ना ट्रैफिक इज गोइंग ऑन, ट्रैफिक जाम हो गया, यानी गाड़ियाँ चल रही है तो ट्रैफिक इज गोइंग ऑन। वैसे ही हमारा लाइफ चल रहा है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तो उसको बोलेंगे ट्रैफिक। अब ये खुद का लाइफ हम खुद प्रिपेयर, फूड प्रिपेयर करके कर रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफी। जैसे प्लांट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेंस दे फीड दे आर कॉल्ड एज सेल्फ फीडर्स, खुद अपना फूड बनाते हैं तो सेल्फ फीडर्स बोलते हैं। और फूड के लिए जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं दे आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो हेटरोट्रॉफी और ऑटोट्रॉफी अब दो ग्रुप बन गए। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में किसको डाला गया, किंगडम प्लांटी। अब इसका कौन से कैरेक्टर हो गए, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर नॉन मोटाइल, सब नॉन मोटाइल ग्रीन कलर्ड ऑटोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। अब यहाँ पे मल्टी सेलुलर का किंगडम हो गया। अब मल्टी सेलुलर के किंगडम को अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स, दैट इज किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। अब इसके लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया गया, तो मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो टाइप का होता है, इंजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। इंजेशन का मतलब होता है होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिक फूड को एनगल्प करते हैं और स्टमक के अंदर डाइजेस्ट करके फिर उसका फूड करके उपयोग करते हैं, तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज इंजेशन। ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेशन। तो वो फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, और फूड कैसे ले रहे हैं, बाय एनगल्पिंग दी ऑर्गेनिक फूड, दे प्रिपेयर, दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। अब एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते, कुछ एंजाइम सिक्रेट करते, और वो एंजाइम से डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है डेड बॉडीज़ के ऊपर फीड करने वाले, और फिर वो डेड बॉडीज़ में से एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस से फूड की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करते हैं उनको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक। दूसरे के ऊपर डिपेंड है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड है तो एब्सॉर्प्शन मोड से, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को या पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनगल्प कर रहे तो दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। तो इसके बेसिस पर से कितने किंगडम तैयार हो गए, दो किंगडम, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। अब इसके बाद में एक और क्राइटेरिया उन्होंने दिया है, ये तीन किंगडम जो बनाए हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट के, उसके लिए उन्होंने एक और क्राइटेरिया यूज़ किया है, और वो क्राइटेरिया है इसमें इकोलॉजिकल रोल। सो ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल रोल प्लांट्स आर डिवाइडेड, सॉरी ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर एंटायर लिविंग वर्ल्ड,
एंटायर लिविंग वर्ल्ड के लिए फूड का सोर्स कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले प्लैनेट पे जो बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही रेडीमेड सोर्स नहीं है, वो बनाना पड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर एंटायर लिविंग वर्ल्ड। और इसीलिए लाइफ इज डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर लाइफ डिपेंड है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर सर्वाइवल। तो वो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर ये जो फूड है उसको कंज्यूम करके एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एंटर करते हैं। आपने फूड चेन, फूड वेब देखा है, तो उसमें जो है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस, टर्शरी कार्निवोरस, ऐसे ग्रुप देखा है आपने, इकोलॉजी में पढ़ा है। तो उसमें जो है वो कंज्यूम करते हैं फूड को। बाय कंज्यूमिंग द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रोटेटिंग दैट फूड इनटू लिविंग वर्ल्ड। तो दैट इज कंज्यूम करते हैं, खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं एनर्जी को, यूजेबल एनर्जी को। इसलिए उनका रोल कौन सा है? कंज्यूमर्स का, यानी वो पूरे यूनिवर्स में एनर्जी को रोटेट करते हैं। सो दे आर ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो वो कंज्यूमर्स में सब एनिमल्स आते हैं। और फंजाई क्या करते हैं? तो दे डिकम्पोज द मटेरियल, जो हम एनवायरमेंट से ले रहे हैं मटेरियल, उसको यूज कर रहे हैं, उसको एनवायरमेंट में फिर से रिसाइकल करना पड़ता है। अदरवाइज एनवायरमेंट का जो नेचुरल सोर्स रहेगा वो कभी ना कभी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग मटेरियल यूज करने के बाद में जो बचा हुआ है डेड बॉडीज के अंदर, उसको थोड़ा सा फूड करके यूज करते हैं एंड रिमेनिंग मटेरियल गेट डिकम्पोज्ड इनटू द सॉइल फॉर मेंटेनेंस ऑफ दैट रिजर्वायर्स ऑफ मटेरियल्स। तो वो प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन करने वाले डिकम्पोजर्स। तो फंजाई कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कंपोजर्स। प्लांट कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्रोड्यूसर्स। और एनिमल्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कंज्यूमर्स। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से अपना लाइफ चलता है। प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स एंड कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे आर द थ्री मेन लिंक ऑफ लाइफ। इसी की वजह से लाइफ मेंटेन होता है। इसमें से कोई भी एक लिंक अगर डिस्टर्ब हो गई तो लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकता है। तो पांच क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पर से व्हिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, वो क्राइटेरिया अब आपको समझ में आ गए। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इकोलॉजिकल रोल। तो ये पांच क्राइटेरिया है। अब इसके थोड़ा सा और डिटेल में हर क्राइटेरिया के बारे में हम आगे देखेंगे यही वीडियो में। तो इस तरह से ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी जो आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखा है, इट वॉज प्रपोज्ड बाय आर एच व्हिटेकर। उनकी फोटो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। रॉबर्ट हार्डलिंग व्हिटेकर वॉज एन अमेरिकन प्लांट इकोलॉजिस्ट एक्टिव इन द ईयर 1950s टू 1970s। ही वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज द फाइव किंगडम टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड्स बायोटा इन टू द एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा इन 1969। तो ये पांच किंगडम, किंगडम मोनेरा, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स का किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, किंगडम प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट। तो अभी हमने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट व्हिटेकर का देखा, उसके क्राइटेरिया को थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं। चार क्राइटेरिया है: कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इकोलॉजिकल रोल। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ऑर्गेनिजम्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ऑर्गेनिजम्स विद वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट्स में आएंगे। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मेनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो दो क्राइटेरिया हो गए। तो अब हम थर्ड क्राइटेरिया,
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर से दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आर ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विच यूज सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड, जैसे प्लांट होते हैं दे कैप्चर सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो उनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। इसमें कौन से आएंगे? प्लांट्स। फोटो मीन्स सनलाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फूड, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। देन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विच यूज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो H2S को ब्रेक करते हैं और उसमें से रिलीज हुई एनर्जी का यूज करके फूड बनाते हैं। तो यहाँ फूड बनाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज की? एनर्जी रिलीज फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, हेंस कॉल्ड एज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। सम बैक्टीरिया यानी मोनेरा में आने वाले कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कीमोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक का मतलब है विच प्रिपेयर्ड फूड बाई यूजिंग केमिकल एनर्जी रिलीज फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, हेंस दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से ऑटोट्रॉप के दो टाइप है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ग्रीन प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और सर्टन बैक्टीरिया, मोनेरा में आने वाले कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया जो है वो कीमोसिंथेटिक है। अब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। The organisms which unable to synthesize their own food and are dependent on other organism for food are called as heterotrophs. अब चार्ट में हमने हेटरोट्रॉप्स के दो टाइप दिखाए थे, एब्सॉर्प्शन और इंजेशन की बेसिस पर से, मगर बेसिकली इसको और तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स एंड होलोजॉई। ऑर्गेनिजम्स विच ऑप्टेन न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट बाय एब्सॉर्प्शन, इंट्रासेल्युलर एब्सॉर्प्शन, अंदर जाके सेल में से फूड एब्सॉर्ब करने वाले पैरासाइट्स बोलते हैं उनको, एग्जाम्पल सम बैक्टेरिया एंड फंजाई। सैप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म विच ऑप्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बाय एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन करते हैं एंजाइम्स को सिक्रेट करके बाहर और फिर एब्सॉर्ब करते हैं, तो मोस्ट फंजाई एंड सम बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट्स। और होलोजॉइक ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट और इनटेक फूड इन सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड फॉर्म में फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं, तो दैट इज होलोजॉइक, उसमें हायर एनिमल्स आते हैं। तो इस तरह से हेटरोट्रॉफिक के तीन टाइप हो गए, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स एंड होलोजॉइक। पैरासाइट्स लिविंग बॉडी से फूड लेते हैं, सैप्रोफाइट्स डेड बॉडीज से फूड लेते हैं, होलोजॉइक जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। तो इंजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन के इंट्रासेलुलर एब्सॉर्प्शन पैरासाइट्स, एक्स्ट्रा सेलुलर एब्सॉर्प्शन सैप्रोफाइट्स और होलोजॉइक। तो इस तरह से थोड़ा डिटेल में हमने देखा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारी बेसिक आइडियाज जो है हर फॉर्म के बारे में क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के सेलियंट फीचर्स पढ़ेंगे तो ये सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेल स्ट्रक्चर है, ये डिटेल में हमारे काम आएगा। तो थोड़ा हमने इसको डिटेल में देख लिया है। So this is the last criteria of five kingdom classification, that is ecological role. On the basis of ecological roles, organisms are divided into three categories, producers, consumers and decomposers. That is the last criteria hai ye. Producers means organisms which produce for entire living world as well as they are the self feeders and for entire living world they prepare food. Example kaun se isme? All plants. Consumers, organisms which depends on other living organisms for food. They consume other living organisms as a food and rotate energy into different trophic levels. To unka bhi important role hota hai planet mein. All animals are included in the category of consumers. Then last one, decomposers. Organisms which absorb food from dead bodies of other organisms. In that process, they decompose dead organic matter and recycle material. Example, fungi and some bacteria.